झाझा विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी दामोदर रावत कुंदूर ने केवाल पंचायत के दर्जनों गांव का दौरा किया। इस क्रम में उनके साथ सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली के साथ उनके समर्थक आगे आगे चल रहे थे। वहीं उन्होंने अपने पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए नीतीश सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्यों की उपलब्धियों को जनता से रूबरू कराया। इसी दौरान एबी न्यूज के संवाददाता राम झा ने उनसे खास बातचीत की। विधानसभा के गिद्धौर प्रखंड के कई गांवों में घूम रहे हैं। हमारे साथ हैं एनडीए प्रत्याशी दामोदर रावत जी, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, प्रतिदिन लगभग 20 से 25 गांव का दौरा कर रहे हैं। बात करेंगे आज इनसे, आज किन किन गांव का दौरा अब तक कर चुके हैं सर, किन किन गांव का दौरा हो चुका है अभी तक? देखिए, अभी हम कुंदूर पंचायत में हैं और केवाल पंचायत जाना है। इस पंचायत में पड़ने वाले सभी गाँव, केवाल पंचायत का केवाल, ढोलकटवा, कुंदूर पंचायत का गेनाडी, नया गांव, रामापुरा, इन सारे गांवों में जाना है और वहां एनडीए के पक्ष में समर्थन की मांग करनी। अब लोगों का कैसा समर्थन, रुझान कैसा मिल रहा है मतदाताओं का आपके प्रति? देखिए, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार गांव में उल्लास है, गांव में चाहत है, गांव के लोग उत्साहित हैं एनडीए के पक्ष में और ये अपार जन समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। सर, लगातार आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे से ही घर से निकल जाते हैं और लगभग 10 बजे तक क्षेत्र में रहते हैं। उम्र भी अब आपकी लगभग काफ़ी 50 एबव है, तो इतना एनर्जी कहाँ से आता है सर? देखिए, जनता का जो उत्साह है वही एनर्जी पैदा करता है और उसी एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए के समर्थन में, एनडीए के लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं, जनता दल यू के लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता का जो अपार सहयोग, अपार समर्थन है, वही शक्ति देता है और इसी शक्ति के साथ क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए नित्य प्रति